ईवीएम को लेकर इन दिनों एक मुद्दा सोशल मीडिया पर काफी छाया हुआ है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि आईसीजे में केस लगाकर ईवीएम को हटाया जा सकता है। लेकिन क्या वाकई में ऐसा करने से भारत में ईवीएम पर बैन लग जाएगा? कुछ ऐसे ही एक सवाल का बीते दिनों एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर ने फेसबुक लाइव पर मार्गदर्शन किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि इंटरनेशनल लॉ के तहत आईसीजे में किसी व्यक्ति या संस्था के केस पर ज्यूरिडिक्शन का प्रावधान नहीं है। इसे लेकर एनलाइटन न्यूज़ में एक रिपोर्ट भी दिखाई गई, जिसके बाद कुछ लोगों ने इस रिपोर्ट के बहाने एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर के द्वारा दिए गए जवाब पर असंतुष्टि जाहिर की है। हालांकि जो पढ़े लिखे लोग हैं या फिर जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को पढ़ा है, उन्हें यह अच्छी तरह मालूम है कि ईवीएम पर आईसीजे फैसला नहीं दे सकता है। फिर भी कुछ लोग बार बार यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ईवीएम पर आईसीजे ने केस स्वीकार कर लिया है, या फिर यह भी कहा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र का ह्यूमन राइट्स कमीशन इस पर जल्द ही अपना फैसला देगा। इसी को लेकर एक बार फिर हमने ह्यूमन राइट्स और इंटरनेशनल लॉ पर 2014 से 2018 के बीच 20 पिटीशंस और 15 बिल बनाने वाले एपीआई के नेशनल प्रेसिडेंट विजय मानकर जी से चर्चा की। इस चर्चा में एनलाइटन न्यूज़ ने 28 सितंबर को एपीआई की केंद्रीय स्तर की मीटिंग के पश्चात उनसे विशेष तौर पर इस बारे में जानने का प्रयास किया है। देखिए यह वीडियो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जुड़ा एक सवाल है, हालांकि यह सवाल भारत से रिलेटेड ज़्यादा है, अंतर्राष्ट्रीय कम है। आईसीजे से जुड़ा एक इस समय महाराष्ट्र के एक सोशल लीडर्स का नाम सामने आ रहा है कि वो आईसीजे में ईवीएम का केस लेके जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, ये केस क्या वहाँ पर स्टैंड हो पाएगा, या ऐसा जो किया जा रहा है इससे क्या कुछ रास्ता क्या हल निकल सकता है या कोई समाधान निकल सकता है ईवीएम का? चूंकि आप ईवीएम के ऊपर में काफ़ी लंबे समय से कहते आ रहे हैं कि इसके लिए ऑलरेडी पार्लियामेंट में समाधान है या वेरियस लेवल पे इस पर काम करने की ज़रूरत है, जो काम एक्चुअल में हो नहीं रहे हैं, इसके बावजूद आईसीजे में जाना, ईवीएम की बात करना, इससे क्या हल निकल सकता है? देखिए, मैं किसी को डिस्करेज नहीं करना चाहता। अगर कोई कोशिश कर रहा है तो वो करे, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं, पार्टी हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें दो तीन चीज़ें मैं केवल बोलना चाहता हूँ कि इंटरनेशनल लॉ के अंदर में आईसीजे का जो चार्टर है, यूएन का जो चार्टर है और आईसीजे के जो रूल्स है, लॉज है, उसके तहत जो है केवल कंट्रीज़ को ये राइट है कि वो आईसीजे में केस कर सके। अगर जब तक कंट्रीज़ जो है उस केस को नहीं ले जाती है, तो उन कंट्रीज़ से जुड़ी अगर कोई मल्टीनेशनल से या एनजीओज है, वो उस केस में जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये जो है वो सेटल जो है लॉ है, आईसीजे का लॉ है, पॉइंट नंबर वन। दूसरा, यूएन को लिखना, पिटीशन देना, ये बहुत सिंपल चीज़ है, उसको कोई भी दे सकता है, एक प्रयास है, अगर कोई चाहे तो कर सकता है। पर यूनाइटेड नेशंस उस पर क्या करेगा, मैं अभी से बता रहा हूँ आप लोगों को। एक हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एक एडवाइजरी देगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन उस पर रिप्लाई देंगे, उसके बाद में जो है यूनाइटेड नेशंस उससे ज़्यादा कोई जो है वो स्टैंड नहीं लेगा। जो प्रैक्टिकल पोजीशन है इंटरनेशनल लॉ का और जो यूनाइटेड नेशंस के मैकेनिज्म है उसके ऊपर में मैं बात कर रहा हूँ। जहाँ तक अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया का सवाल है, मैं अपनी बात बताना चाहता हूँ। ईवीएम एक मुद्दा है, भारत की पूरी चुनावी व्यवस्था को बदलने की ज़रूरत है, और इसको लेकर मैंने स्वयं जो है 10 बिल ड्राफ्ट किए हैं, और वो 10 बिल्स को मैं पार्लियामेंट में एज अ प्राइवेट मेंबर्स बिल जो है वो टेबल कराने के प्रयास में हूँ। अभी कुछ एमपी से बात हो रही है, अगर वो एग्री हो जाते हैं तो मैं अपना नाम हटा के बिल्स जो है उनके नाम से पार्लियामेंट में जो है लाने का प्रयास करूँगा। आप कहेंगे मुझे मालूम है पार्लियामेंट में सक्सीड नहीं होंगे, पर इस पर डिस्कशन होना, डिबेट होना, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ में इस पर स्टडी होना, और फिर वोटिंग होना, और वोटिंग होकर ये क्लियर होना कि कौन सी पार्टीज इसके फेवर में है और कौन सी पार्टीज इसके फेवर में नहीं है, ये एक पहला स्टेप है। और जहाँ तक ईवीएम का सवाल है, इसके अलावा भी इलेक्ट्रोल सिस्टम है, लेकिन जहाँ तक ईवीएम का सवाल है, अगर पार्लियामेंट में ये सॉल्व नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। इतने सारे कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, अगर वो कंप्यूटर साइंटिस्ट को एनक्रिप्टोग्राफिक सेफ्टी मेजर्स का अंडरस्टैंडिंग है, तो वो लीगल वे में है इसको हैक किया जा सकता है, इलेक्शन कमीशन से लीगल परमिशन ली जा सकती है। अगर इलेक्शन कमीशन डिनाई करता है हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस पर, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से परमिशन ली जा सकती है, और पूरी दुनिया के आगे इसको हैक करके अगर दिखा दिया जाए तो मुझे लगता है एक दिन में ईवीएम जो है वो हट सकती है। तो ये दो मेजर्स को मैं जो है बता रहा हूँ, उसमें एक बिल का पोर्शन जो है वो ऑलरेडी मैं प्रयास कर रहा हूँ, और अगर कोई कंप्यूटर साइंटिस्ट तैयार होगा तो उसको जो है मैं लीगल परमिशन के साथ में मैं ये प्रयास कर सकता हूँ कि देश में ईवीएम का हैकिंग जो है वो हो लीगल तरीके से। ये दो समाधान है, कोई अगर यूएन में जाके करता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर इंटरनेशनल लॉ के प्रोविजंस में इसका समाधान नहीं है, ये बात मैं क्लियरली कहना चाहूँगा। आपको बता दें कि एपीआई के नेशनल प्रेसिडेंट विजय मानकर भारत के एकमात्र लीडर है जिन्होंने ह्यूमन राइट्स और इंटरनेशनल कानून के तहत 15 बिल भारत की पार्लियामेंट को दिए हैं।
जिसमें ईवीएम के साथ ही 15 बिल भारत की संपूर्ण चुनावी व्यवस्था में सुधार से संबंधित है, तो वही भारतीय संविधान में इनकॉर्पोरेट करने के लिए ह्यूमन राइट्स के 2 बिल और इंडिजीनियस राइट्स के 2 बिल है। हालांकि यह अलग बात है कि अभी तक उनकी पार्टी के पास कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, जिसके चलते इन बिलों पर कोई विशेष चर्चा संसद में नहीं हो पाई है। फिर भी वे लगातार इन बिलों पर चर्चा कराने के लिए बीजेपी और कांग्रेस के सांसदों को छोड़ अन्य पार्टियों के सांसदों से संपर्क करने में लगे हुए हैं, ताकि ईवीएम के साथ ही इन बिलों के ऊपर चर्चा होकर वोटिंग के माध्यम से परिदृश्य स्पष्ट हो सके कि कौन सी पार्टी लोकतंत्र में सही सुधारों के पक्ष में है। इसीलिए विजय मानकर जी अपना नाम हटाकर इन बिलों को प्राइवेट मेंबर बिल के स्वरूप में किसी सांसद के माध्यम से इन्हें टेबल कराना चाहते हैं, और ऐसी अपील उन्होंने सांसदों और जनता को भी की है। साथ ही ईवीएम के लीगल हैकिंग की प्रक्रिया के लिए भी उन्होंने देश के कंप्यूटर साइंटिस्टों से विनंती की है। यह अपील एनलाइटन न्यूज़ के माध्यम से फिर जनता को करने की उन्होंने विनती की है कि कोई भी कंप्यूटर साइंटिस्ट एंड एनक्रिप्टोग्राफिक सेफ्टी मेजर्स को जानकर यह काम करने की सहमति दिखाता है तो वे जरूरी कानूनी अनुमति चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट से ले सकते हैं। इन दो प्रयासों के बाद ही आगे का वह प्रयास जिसे उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ लोगों को बताया है, उस पर भी काम करने का समय आएगा। हम एनलाइटन न्यूज़ के माध्यम से सभी दर्शकों एवं सुजान नागरिकों से यह अपील करना चाहेंगे कि बिना सोचे समझे वक्तव्य करने के बजाय वे उपरोक्त कार्य में एपीआई की मदद करें, जिससे ईवीएम ही नहीं बल्कि मूलभूत बदलाव देश में लाया जा सके। धन्यवाद।